नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो फिर एक बार इंटरेस्टिंग सा रेसिपी लेके आ चुकी हूँ। तो आज मैं बनाने वाली पत्ता गोभी से एक सब्जी। तो मैं कैसे बनाती हूँ, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैं आज बना रही हूँ पत्ता गोभी के कोफ्ते। तो पत्ता गोभी को मैंने यहाँ चार टुकड़ों में कट कर लिया है। पत्ता गोभी को ग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ चार टुकड़ों में कट कर लिया है। तो अब मैं एक एक उठाऊंगी, तो इसमें कद्दूकस कर दूंगी मैं। मैं डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर ही डालना है हमें, कटी हुई हरी मिर्च, और साथ ही साथ हमें डालना है नमक। स्वाद अनुसार नमक मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ मैं डालूंगी गरम मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे कलर बढ़िया आता है। और यहीं पे मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड करूंगी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, गूंथ लेते हैं इसे आटे की तरह। हमें ज्यादा दबा दबा के नहीं करना है, नहीं तो ये पत्ता गोभी ढेर सारा पानी छोड़ देगा। बस हल्के हाथों से इसे सान लेना है। तो फ्रेंड्स, बेसन मुझे कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा और डालूंगी। बाइंडिंग हो गई है, तो इसके छोटे छोटे बॉल बना ले रही हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, पत्ता गोभी के मैं इस तरह से कुछ बॉल बना ली हूँ, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है बॉल्स को फ्राई करने के लिए। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं इन सभी बॉल्स को। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है गैस का। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बॉल सुनहरे हो रहे हैं, मैं इसे पलट ले रही हूँ। सुनहरा होने तक ही हमें इसे पकाना है। सो फ्रेंड्स, ये पत्ता गोभी बॉल सीख गए हैं, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। फिर से बचे हुए बॉल्स को मैं फ्राई कर ले रही हूँ। बच्चों को ज्यादा तो पत्ता गोभी पसंद नहीं आती, बड़ों को भी इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप इस तरह से ये सब्जी जब बनाएंगे ना, तो सभी को पत्ता गोभी से प्यार हो जाएगा, रोज डिमांड करेगी ऐसी सब्जी बनाने की। इस्तेमाल ज्यादा तो नूडल्स वगैरह के लिए करते हैं, लेकिन सब्जी के लिए भी करेंगे आप इस तरह से अगर बनाएं। इस सब्जी से आपको प्यार हो जाएगा, छूटेगी नहीं आपके मुंह से। तो फ्रेंड्स, ये पत्ता गोभी बॉल सभी फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ये सब कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, कढ़ाई हो गई है गरम, मैंने इसमें सरसों का तेल लिया है, तो इसमें डाल देती हूँ पचफोरन। पचफोरन को थोड़ा लाल कर लेना है। फिर साथ ही साथ इसमें मैं डाल रही हूँ लवंग, बड़ी इलायची दो डाला है मैंने, साथ ही साथ छोटी इलायची और दालचीनी डाल दिया मैंने एक टुकड़ा, तेज पत्ता भी डाल दिया है। तो मसालों को अच्छे से लाल कर लेना है, तब इसमें मैं डालूंगी। तो साथ ही साथ मैं इसमें एक चुटकी हींग डाल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च भी तीन डाल दे रही हूँ, और ये शिमला मिर्ची भी डाल ले रही हूँ मैं। आपको पसंद है तो डालिए शिमला मिर्ची, नहीं तो मत डालिए। खुशबू बढ़िया आ रही है, तो मैं इसमें क्रश किए हुए प्याज डाल रही हूँ। यहाँ मैंने तीन बड़े बड़े प्याज लिए हैं, जो क्रश कर लिए हैं। तो प्याज को गलाने के लिए मैं यहाँ एक चुटकी नमक डालूंगी, तो जल्दी गल जाता है ये। भून लेना अच्छे से सुनहरा कलर आने तक। तो इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट में डाल रही हूँ। अदरक मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, स्ट्रांग रखा है अदरक, बहुत अच्छा लगता है इसका स्वाद। सो फ्रेंड्स, प्याज अच्छे से लाल हो चुका है, तो मैं इसमें तीन बड़े टमाटर डाल रही हूँ, जो मैंने पीस लिया है।
फ्रेंड्स, अब इसी में मैं मसाले भी ऐड कर दे रही हूँ। मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, और काली मिर्च पाउडर, तो मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, साथ ही साथ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ बढ़िया कलर के लिए। तो इसे भून लेना है अच्छे से। तो मैं इसमें गरम मसाला भी डाल दे रही हूँ, और साथ ही साथ हल्दी डाल रही हूँ, और नमक डाल रही हूँ। नमक याद रहे कि हम पहले भी डाले थे, तो थोड़ा ही डालना है स्वाद के अनुसार। 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मसाला भून चुका है, देखो इसमें तेल रिलीज कर दिया है। तो मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। आपको पानी अपने अकॉर्डिंग डालना है कि आपको कैसे खाना है, चावल से खाना है कि रोटी पराठे से खाना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप पानी डाल दिया है। तो इसे 5 मिनट के लिए पका लेना है। कढ़ी उबल रही है तो आप कोफ्ते भी डाल देते हैं। तो ये देखिए कैसे तैयार हो गया कोफ्ता करी। सो फ्रेंड्स, अब इसे 2 मिनट के लिए पका लेना है चलाते हुए, ज्यादा नहीं चलाना है नहीं तो टूट भी सकते हैं। अपने घर पे इसे जरूर ट्राई करिए, और कैसी बनी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तब मैं इसमें धनिया डाल दे रही हूँ। वाह, लाजवाब कोफ्ता करी, पूरी पत्ता गोभी की तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब कोफ्ता करी में मैं 1 चम्मच नींबू का रस डालूंगी, ऐसे ही गैस बंद करने पे डाला है मैंने। अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, ये कोफ्ता करी तैयार हो गई है पत्ता गोभी की, तो मैंने इसे पुदीना से गार्निश कर दिया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये करी कोफ्ता पसंद आया है तो एक लाइक कर दिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, और घंटी को भी जरूर बजाए, उससे मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको तुरंत